भाषा और इस तरह के संघर्ष की बातों को लिखते हैं तो बहुत सारे साथियों को देखते हैं जो गायब हो जाते हैं, सन्नाटा सा जाता है। कहीं ना कहीं मुझे महसूस हो रहा है, एक विश्वविद्यालय में गया था, छात्र संघ के अध्यक्ष जो किसी समाज से आता है उसने कहा भैया जब कुछ लिखता हूँ इस तरह की बात तो जो लाइक और कमेंट आने चाहिए उसमें बड़ी गिरावट आती है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि या तो हम डर रहे हैं या हम अपने को बचा रहे हैं या हम अपने को कुछ विशेष किस्म का ऊंचा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक जो धारणा समाज में देखने को मिल रही है, ये हमको और पूरे इस देश के पिछड़े दलित आदिवासी जो मूल निवासी समाज है इसका नुकसान करेगी। इसके खिलाफ उत्तर होकर कैसे बढ़ना है और उस दुखद्दा को समाज के सामने कैसे प्रतिबिंबित करना है, जो भी समाज चाहे विभिन्न राज्यों में आ रहे हैं उसके खिलाफ जो लड़ाई है उस पर हम सभी को एक साथ मुखर होकर आगे आने की जरूरत है। आप सबने जो पहल की है उस पहल में मैं भरोसा दिलाता हूँ कि हम पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, अपने संगठन के साथ, व्यक्तिगत तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर जो संभव हो सकता है करेंगे। और पूर्व में साथी जो कह रहे थे बात आई जो कांग्रेस की, तो मैं भी कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, मैं कहना चाहूंगा आप सबसे कि कांग्रेस के बारे में थोड़ी सी अपनी उस नजरिए को मैं कहूँगा कि एक बार थोड़ा सा आप कोशिश कर रहे हो देखने की। बहुत सारी जो अंदर चीजें होती हैं जो पिछड़े और दलित समाज से जो निकल के आए, मैं कई बार देखता हूँ कि उनसे ज्यादा बहसी बातें इधर कुछ हो रही है। और मैं उसमें सबसे ज्यादा योगदान अगर कहूंगा तो उस एक व्यक्ति का नाम है श्री राहुल गांधी जी, जिसने कहा है तमाम पिछड़े लोग भी कम बोल पाते हैं जो बातें उन्होंने रखा। और उसका कारण है कि श्री भूपेश बघेल जी ने जो शुरुआत की और जिस तरीके से पहल की है और ये चीजें आगे जा रही है ये देखने को मिल रही है। और मैं कह सकता हूँ कि किसी भी तरह की राजनीतिक पार्टियों ने मेरे जैसे मामूली विद्या परिवार के व्यक्ति को भी आगे लाने में, जब तमाम नेता भी कह सकता हूँ कि नहीं चाहते थे कि केशव यादव इस पद पर आए तो उसमें उनका इंतजार था, तो कहीं ना कहीं वो सोच बदल रही है। आप तमाम लोगों जन यहाँ बैठे हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ, मैं यही कहूँगा कि उन चीजों को बदलने में और देखने में एक बार प्रयास किया जाए। हम सब मिलकर बदले, बहुत बहुत शुक्रिया जय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।